Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोविड-19 से रिलेटेड एक और ऐसे के बारे में जिसके अंदर हम जानेंगे कि उसका ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ा है वुमेन के ऊपर. आज मैं डेटा पॉइंट भी ऐड नहीं कर पाई हूँ, बहुत कम टाइम है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है इसलिए. सो बहुत जल्दी जो शुरुआत करते हैं, आज छोटा ये डिस्कस करेंगे. इंट्रोडक्शन क्या है, कोविड-19 ने हर सेक्शन के ऊपर हमारी सोसाइटी के बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है और स्ट्रेस में डाल दिया और वल्नरेबल बना दिया कंडीशंस को, जिसके अंदर हमने मिलियंस ऑफ डेथ देखी है और बिलियंस ऑफ लॉसेस देखने को मिला है इकोनॉमी के अंदर. वुमेन जो पहले ही बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस, सेग्रीगेशन के सिस्टम में, जैसे कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल, कोविड-19 ने सिचुएशन को इवन और भी ज़्यादा ख़राब बना दिया है. अब देख लेते हैं क्या क्या इम्पैक्ट पड़े हैं. एडिशनल बर्डन आ गया उनके ऊपर जो डिजीज़ है उसका आउटब्रेक होने के बाद भी. वुमेंस हैं और गर्ल्स हैं और जो यंग वुमेंस हैं उनकी ड्यूटीज़ हैं जो अपने एल्डर्स की केयर करना, अपनी फैमिली मेम्बर्स की केयर करना, इनको और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है. और अपने सिबलिंग्स जो अपने भाई बहन या कज़न्स हैं स्कूल से बाहर हैं, गर्ल्स हैं जो कि स्पेशली मार्जिनल कम्युनिटी की हैं या फिर डिसेबिलिटी के साथ हैं, उनको उनके ऊपर और भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है इसके ऊपर. इसका उन्हें सेकेंडरी इम्पैक्ट भी देखने को मिले हैं. इसके स्कूल ड्रॉप आउट है इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं कोविड-19 के टाइम पे. जो कंट्री जो फैमिलीज हैं वो और भी ज़्यादा पुअर हो गई हैं और उन्होंने वो फैसला कर रही हैं कि वो आप अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं भेजेंगी. फिर अर्ली मैरिजेस देखने को मिली, अगर फैमिली है वो उसके अंदर पॉवर्टी बढ़ेगी तो वो क्या करेंगे. इजी से सिंपल सी बात है, वो अपनी फैमिली की बेटियां हैं उनको स्कूल से भेजना बंद करेंगे और उनकी जल्दी से जल्दी शादी करवा देंगे, जो कि हमारे देश के अंदर एक क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर भी डाला गया है. जेंडर बेस्ड वायलेंस भी देखने को मिला है कोरोना वायरस की वजह से. क्वारंटाइन मेजर्स हैं वो इम्पोज होने के बाद में, जो कोविड-19 पेंडेमिक की रिस्पॉन्स से इसकी वजह से वुमेंस हैं और गर्ल्स हैं उनको और भी ज़्यादा बड़े रिस्क में डाल दिया गया है. वायलेंस जो कि होम के अंदर देखने को मिलता है, डोमेस्टिक वायलेंस, उसके भी बहुत सारे केसेस निकल कर आ रहे हैं. इवन यहाँ तक हुआ है कि उनको खाना भी नहीं दिया जा रहा है, मारा भी जा रहा है इसकी वजह से. WHO के पास में यूनाइटेड नेशन जो वुमेन सेल है उसके पास में कॉल भी आई थी. एक फादर ने अपनी बेटी को बचाने के लिए फ़ोन किया था ताकि उसका रेस्क्यू किया जा सके. उसकी खुद की फैमिली उसे मार कूट भी रही थी और फिर उनको खाना भी नहीं दिया जा रहा था और उनको जो प्रोटेक्शन सर्विसेज हैं, जो सोशल नेटवर्क्स हैं, उनसे भी अलग कर दिया गया है. क्योंकि अब पहले तो अगर जो हस्बैंड है वो मारपीट करता था तो काम के लिए बाहर चला जाता था, तो पीछे से वो कॉल करके बता सकती थी कि हमें ये प्रॉब्लम है. लेकिन आज तो अगर वो पूरे टाइम घर पे रहता है तो वो फ़ोन भी नहीं कर पाती हैं. इकोनॉमिक स्ट्रेस भी देखने को मिलता है फैमिलीज़ के ऊपर आउटब्रेक का, जिसकी वजह से चिल्ड्रंस हैं और जो पर्टिकुलर गर्ल्स हैं वो भी और भी ज़्यादा रिस्क पे आ गई हैं. किसकी एक्सप्लोटेशन किया जा रहा है उनके साथ में, चाइल्ड लेबर की जाती है, जेंडर बेस्ड वायलेंस भी देखने को मिलता है. ग्लोबल लॉकडाउन है, उसके अंदर जो गर्ल्स की ऑटोनॉमी है वो फिर से चली गई है, वापस से बढ़ रहे हैं गर्ल्स के लिए कि वो सेकेंड क्लास के सिटीजन्स हैं और उनको फिर से पीछे धकेल दिया है. फिर हेल्थ सर्विसेज के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इसके ऊपर भी हमें काफ़ी ज़्यादा एविडेंसेस देखने को मिले हैं. क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है हमारे हेल्थ सेक्टर के ऊपर ही पड़ा है कोविड-19 का. हेल्थ केयर रिसोर्सेज हैं वो डाइवर्ट हो गए हैं रूटीन जो हेल्थ सर्विसेज होती हैं उनसे. रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज हैं उनसे अंदर हम देखने को मिल रहा है कि जो मैटरनल, न्यू बॉर्न और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज हैं वो बहुत ही कम हो गई हैं. हमने काफ़ी सारे केसेस सुने भी हैं कि प्रेग्नेंट वुमन है वो उनकी रीच नहीं हो पाई हॉस्पिटल के अंदर और उनकी डेथ हो गई रास्ते में ही, या फिर हॉस्पिटल के बाहर भी हमने उनकी डेथ देखी है क्योंकि हॉस्पिटल ने उनको एडमिट करने से मना कर दिया. उनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस देखने को मिले हैं सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंफॉर्मेशन सर्विसेज के अंदर, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, कॉन्ट्रासेप्टिव, सेफ अबॉर्शन या फिर HIV मेडिकेशंस भी शामिल हैं. फिर इकोनॉमिक वेलबींग, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है. इकोनॉमिक चैलेंजेस हम समझ सकते हैं, उनकी जॉब है वो चली गई है, किसी की सैलरी कम हो गई है, किसी को जॉब ऑफर्स हैं वो नहीं आ रहे हैं और भी काफ़ी सारे चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं हमें. इसकी वजह से उनके ऊपर सीरियस थ्रेट देखने को मिल रही है. यंग वुमेन के ऑपरेशन किया जा रहा है उनका और अब्यूज़ किया जा रहा है. गर्ल्स और यंग वुमेन हैं वो फेस कर रही हैं सीवियर इकोनॉमिक शॉक्स, जैसे कि उनकी हाई रिस्क है उनके वर्क के ऊपर और उनके इकोनॉमिक सर्वाइवल के ऊपर. फिर हम मेजर्स क्या ले सकते हैं, हम एक्सपेंशन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं. महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट रूरल एक्ट और प्रोवाइड कर सकते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़. कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स लाने की ज़रूरत है हमें स्टेट्स के बीच में, ताकि वो वुमेन एम्प्लॉयमेंट को ध्यान में रखकर
क्रिएट कर सकती है, कम्युनिटी किचन को, आंगनवाड़ी को, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकती है वुमेन के लिए, और नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है वो उसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो ऑब्स्टेकल्स हैं वुमेन एम्प्लॉयमेंट के उनको हटाएं और अवेलेबल करवाएं उनको काम, और मैनेजमेंट करवा सकें उनके डोमेस्टिक वर्क को ताकि वो मैनेज कर सकें अपने डोमेस्टिक वर्क के साथ साथ। और इसके लिए हमें राइट टाइम है कि हमें यूनिवर्सल सर्विस प्रोग्राम को लॉन्च करना चाहिए ताकि फिल की जा सके वैकेंसीज को सोशल सर्विस सोशल सेक्टर के अंदर, और एक्सपेंड किया जा सके इन्वेस्टमेंट किसके अंदर, हेल्थ सेक्टर के अंदर जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर कौन कौन से सेक्टर हैं, एजुकेशनल सेक्टर हैं, चाइल्ड और एल्डर केयर सेक्टर हैं, उनके अंदर भी बढ़ाना चाहिए हमें। रिग्रेस प्रोटेक्शन एंड सेफ गार्ड करने की ज़रूरत है सभी चिल्ड्रंस का, गर्ल्स का, वुमेंस का, ताकि उनके ऊपर जेंडर बेस्ड वायलेंस ना देखने को मिले। इसके ऊपर हमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना होगा सभी पॉलिसीज़ के अंदर, इन्फॉर्मेशन के अंदर गाइडेंस करना होगा, और सभी स्टेज है उसके ऊपर रिस्पॉन्स करना होगा हमें। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रोवाइड असिस्टेंस टू इम्प्रूव। जय हिंद, जय भारत।